उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज देखिए क्या होता है। देखिए जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यू बाय आर स्क्वायर पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली इस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारा ई क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। और अगर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी करते बिल्कुल ऐसे आगे, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो है, ये क्या करता है, यहाँ के जितने भी ईयर है ना उनको आयनाइज करते हैं, ठीक है। तो ईयर में जब आयनाइज होंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो शेप है ना मून टाइप की, ये बहुत ही पॉइंटेड शार्प, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है ना, उससे जब भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज, तो उसी का नाम कोरोना डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कोरोना डिस्चार्ज। ये बेसिकली जब बहुत ही पॉइंटेड होगा ना तो आर की वैल्यू बहुत कम होगी। अगर आर की वैल्यू बहुत कम होती है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मैंने तुम्हें बताया है कि एयर का क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 3 × 10⁶, ठीक है। तो उतनी वैल्यू अटेन कर लेगा, और इतनी वैल्यू जब आ जाएगी तो एयर को क्या करेगा, आयनाइज। और आयनाइज में जब हम देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्पार्क करके निकलेगा। वैसे जब कभी भी हम कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अचानक से हमें करंट का एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वहां यही फिनोमेना है। इवन जो हमारे कंडक्टर्स लगे होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स बोला जाता है, अगर कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो उनके ऊपर एक कंडक्टर लगा जाता है, उसको कुछ ऐसे शेप में पॉइंटेड के शेप में, तो वहां से क्या होता है, वो डायरेक्ट सारा करंट लेता है, ग्राउंडिंग में क्या कर देता है, ग्राउंड, ठीक है। वो लाइटनिंग कंडक्टर भी इसी प्रिंसिपल पे होता है, ठीक है। तो पहली तरह जो बैठेगा फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही है कोरोना डिस्चार्ज। दूसरा प्रिंसिपल है कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, बट पोटेंशियल उसके पास रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है, पूरे कंडक्टर के अंदर सेम रहता है, आर पे डिपेंड नहीं करता कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर से जब बाहर जाएंगे तभी डिफरेंट रहता है। इसलिए हमने ई का रिलेशन पढ़ा है, ई इज इक्वल टू डी बाय डी आर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ई क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जीरो, बट ये जीरो कब होगा, जब ई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो वैडी ग्राफ इसी वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वैडी ग्राफ में दो इंसुलेटिंग पैड होते हैं, ठीक है। ठीक है, इंसुलेटिंग पैड है और उसके अंदर एक कंडक्टर है, जो मेटल का है वो क्या है, कंडक्टर है। एंड साथ में क्या लगाता है, ये इंसुलेटिंग बैंक लगता है, जो है ना बैंक, उस बैंक क्या होती है, इंसुलेटिंग। और साथ में एक पैनल लगा होता है एंड दो ब्रशेस पर, एंड अटैच क्या होता है, हाई टेंशन की मतलब वोल्टेज सब सप्लाई करते हैं उसकी बर्थिंग। तो ये सारे क्या कंस्ट्रक्शन के पास। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है, हाई टेंशन वायर से क्या होता है, जब इसमें करंट जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन, हाई टेंशन का मतलब होता है इसका पोटेंशियल क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने चार्ज किया तो चार्ज क्या होते हैं, स्पार्क होते हैं। ये स्पार्क होकर क्या करेगा, इस इंसुलेटिंग बैंड में आ जाएगा। इंसुलेटिंग बैंड क्या होता है, कंडक्टर अगर होता है तो चार्ज को क्या कर देगा, फ्लो कर देगा। बट अगर किसी इंसुलेटर पे चार्ज आता है तो क्या हो जाता है, वो वहीं पर स्टिक होके रहता है। अब हमने क्या किया, स्टिक हो गया, तो अब इसको क्या किया, एक मोटर से कनेक्ट होता है और उसको मूव किया। ये मूव करके क्या होता है, ऐसे तो ऊपर नहीं कर पाते, तो ऐसे चार्ज मूव करता होगा यहाँ ऊपर पहुंचेगा। अगर जब ये ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, दूसरा फॉर्म रखा हुआ है जिसे इलेक्ट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये मेटल का बना होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इसके सामने होगा तो यहाँ क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इंडक्शन हमने पढ़ रखा है, क्या होगा, ये नेगेटिव को अपने पास खींचेगा और पॉजिटिव को क्या कर देगा, बाहर भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक चार्ज आएगा तो एक बाहर आएगा, फिर दूसरा आएगा तो दूसरा आएगा, ऐसे जैसे जैसे चार्ज आते रहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ता है। अब देखो ये चार्ज बढ़ रहा है तो सपोज कर इसका पोटेंशियल क्या हो गया, वी हो, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक छोटा पोटेंशियल है डी, ठीक है, बहुत ही कम पोटेंशियल।
अब हमने पढ़ रखा है जो पोटेंशियल का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है हायर टू लोअर। अब जिसका छोटा पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो ट्रांसफर क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर क्या होगा बड़े से छोटे की तरफ होगा, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जैसे ही ये सरफेस ये इस कंडक्टर के अंदर आएगा, इस कंडक्टर के अंदर आएगा तो इसका पोटेंशियल हम देखेंगे कंडक्टर में क्या आएगा वी डेल्टा वी होगा। अंदर का पोटेंशियल कितना हो गया वी डेल्टा वी, क्योंकि वी तो पहले से था, कहीं जब चार्ज पार्टिकल आया तो उसमें थोड़ा सा और पोटेंशियल इंक्रीज। तो हमने इसमें क्या देखा, इसके पास टोटल कितना पोटेंशियल हो गया वी प्लस डेल्टा, ठीक है। और जो हमारा सरफेस है उसमें कितना पोटेंशियल है वी है। अब देखेंगे कि अंदर वाला क्या है ज्यादा है और बाहर वाला क्या है कम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से पोटेंशियल मूव करेगा। दोबारा से समझते हैं, अगर सपोज करें यहाँ पे पोटेंशियल वी प्लस डेल्टा वी, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल रखूंगा तो उसका ऑटोमेटिक इतना ही पोटेंशियल शो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है। अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर पोटेंशियल क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है, तो अगर मैंने यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल ला दिया तो उसका ऑटोमेटिक इतना पोटेंशियल होगा। आप सपोज करो वो चार्ज पार्टिकल डेल्टा वी और लेके आ, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल के पास कितना चार्ज आ जाएगा वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी आ जाएगा ना। और बाहर अगर हम सरफेस से देखें तो कितना चार्ज था वी प्लस डेल्टा वी था, तो आप देखो ये क्या है ये हायर है और ये लोअर है, ये हायर से क्या करेगा अपना पोटेंशियल उसको दे देगा, तो अब वो पोटेंशियल क्या आ जाएगा किसके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास और डेल्टा वी, तो इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा कि अब उसके पास ज्यादा पोटेंशियल, वो पोटेंशियल को क्या करेगा ये देता है, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल क्या है इकट्ठा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके अंदर कोई भी मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा 10,000 वोल्ट इसका पोटेंशियल, एक एक पोटेंशियल से बढ़ के कितना हो जाता है 10,000। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं एक पॉजिटिव आयन रखते हैं, अब उस पॉजिटिव आयन के पास जब इतना पोटेंशियल आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है पापेन इक्वल टू सीवी, और ये पापेन किस फॉर्म में स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। अब जो कंडक्टर है उसके पास कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज है, और ये हमने पॉजिटिव आयन रखा है, तो क्या करेगा उसको रिपेल करेगा और इतनी एनर्जी के साथ क्या आएगा रिपेल होगा। अब वो जब नीचे आएगा तो ये जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, अब इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी और वो किसी भी टारगेट को हिट करेगा तो उस टारगेट को क्या कर देगा तोड़ देगा। तो इस तरीके से आप जब वो टूट जाएगा तो आप उसके क्या कर सकते फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है ये पर्टिकुलर। ये जो पेंटीग्राफ जनरेटर था बेसिकली एडवांस स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ठीक है। तो ये नाम हम याद रखेंगे, इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन यूज हुआ है, एक ब्रश यूज हुआ है, ठीक है, इंसुलेटिंग पैड यूज हुआ है, इंसुलेटिंग पैड हुआ है, और एक कंडक्टर मैटेलिक कंडक्टर, ठीक है, और ये क्या हुआ है कूली यूज हुआ है ताकि लाइट मूव कर सके, क्योंकि कंडक्टर है नहीं तो चार्ज ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा, और क्या करते हैं इसको मैकेनिकल यहाँ पे मोटर से कनेक्ट करके यहाँ पे मोटर है उस मोटर से हम इसको मूव करें और ये मूव करा के इस तरीके से पेंटीग्राफ से मूव करें।